हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम BCHCT 131 के कोर्स कोड की पार्ट फिफ्थ वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। और इसके पहले हमने पार्ट फोर तक अपलोड किया है, जिसका आपको वीडियोस BCHCT 131 के लेक्चर वीडियोस में मिल जाएगा। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ओपोजिटली चार्ज्ड आयन सराउंडिंग अ पर्टिकुलर आयन। कोई भी एक पर्टिकुलर आयन है उसके आसपास सराउंडिंग में अगर अपोजिट चार्ज जो है उसका जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, मैक्सिमम नंबर होगा, वो होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। लैटिस एनर्जी, डिफाइन लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच। इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन्स। नेक्स्ट इज बोनहेबर साइकिल फॉर सोडियम क्लोराइड। बोनहेबर साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, जो सोडियम है सॉलिड फॉर्म में है उसका क्या होता है, पहले क्लोरीन के साथ इन गैशियस फॉर्म फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में बनता है। और उसका अगर सब्लिमेशन देखें, सब्लिमेशन का मतलब है सॉलिड का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द गैस। तो सॉलिड अगर सोडियम गैशियस सोडियम में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। यही गैशियस फॉर्म लिक्विड फॉर्म में चेंज हो सकती है। लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के बाद वो आयनिक फॉर्म में क्लोराइड के साथ आयन के साथ रिएक्ट करती है, और जिससे ये क्या बनता है, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड इन द सॉलिड फॉर्म। ये जो क्लोराइड है ये हाफ क्यों लिखा है यहाँ पे, ये वाला हाफ कट करने के लिए, मोल हाफ मोल को कट करने के लिए यहाँ पे इसलिए यहाँ पे हाफ लिखा है। तो यहाँ पे डी क्या है, डिफ्यूजन एनर्जी इंथैल्पी होगी, दैट इज मेड क्लोरीन इन द गैशियस फॉर्म। तो ये रहा बोनहेबर साइकिल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डिफाइन फजान रूल। तो अ कटाइन विच वी विल बी मोर पोलराइज हैविंग मोर पोलराइज पावर इफ इट इज स्मॉल एंड हाईली पॉजिटिवली चार्ज। तो जितना ज़्यादा वो हाईली पॉजिटिवली चार्ज होगा और स्मॉल होगा, देन कटाइन विल बी मोर हैविंग मोर पोलराइजिंग पावर। तो उसके पास पावर है, वो पोलराइज कर सकता है। एनायन भी मोर इजिली पोलराइज हो सकता है अगर उसके ऊपर हाईली नेगेटिव चार्ज है या फिर वो उसका साइज लार्ज है। पोलराइजेशन तब भी फेवर्ड होती है इफ़ द केटायन डज नॉट हैव अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये मतलब क्या है, अगर केटायन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, इट मीन्स वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में पोलराइजेशन करना है, मतलब कि एनायन का डिफ्यूजन करना है, एनायन का को प्रोड्यूस करना है। अगर ऑलरेडी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें एनायन बनाना है, कटायन बनाना है, तो पोलराइज करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के केस में वो पॉसिबल नहीं होता है। हमें पोलराइज करने के लिए ऑलरेडी कम एनर्जी में पोलराइज करना है, जो कि सिर्फ पॉसिबल हो सकता है अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में, जो कि पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम फ्लोराइड इज हायर देन एल्यूमिनियम आयोडाइड, ऐसा क्यों। अभी एल्यूमिनियम का केस है और एल्यूमिनियम इज सराउंडेड बाय थ्री हैलोजन्स, थ्री हैलाइड आयन्स के साथ वो सराउंड सिचुएटेड है। और जो एल्यूमिनियम है, अगर हम एल्यूमिनियम फ्लोराइड की बात करें तो एल्यूमिनियम के साथ अटैच है थ्री फ्लोराइड आयन्स, और एल्यूमिनियम आयोडाइड में जो सराउंडेड है, इट इज़ सराउंडेड विद थ्री आयोडाइड आयन्स। तो जो डिफरेंस है वो दोनों हैलोजन्स में, इसलिए हमें कंपेयर भी इन हैलोजन्स को ही करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें फिर आंसर में जो रीज़न है वो प्रॉपर मिल जाएगा। आयोडाइड आयन का आपको पता है कि इट हैज़ ग्रेटर साइज एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, और वैसे भी आयोडाइड आयन का जो वॉल्यूम है, इट इज़ फाइव टाइम्स द फ्लोराइड आयन।
साइज जो है फ्लोराइड आयन का दैट इज मच मच स्मॉलर देन आयोडाइन आयन. तो बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोराइड आयन इट कैन नॉट बी पोलराइज ईजीली विद एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव एल्यूमिनियम केटायन टू फॉर्म एल्यूमिनियम फ्लोराइड इज दैट इज आयनिक. इसीलिए क्या होता है कि जो बॉन्डिंग होती है एल्यूमिनियम फ्लोराइड की वो आयनिक होती है. अगर हम आयोडाइड की बात करें, आयोडाइड आयन इज डिस्टॉर्टेड टूवर्ड्स हाई चार्ज एल्यूमिनियम आयन टू सच एन एक्सटेंट टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड. क्योंकि अगर सीधी सीधी बात ये है कि हम अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें कि जो एल्यूमिनियम फ्लोराइड है इनका दोनों का कैटायन और एनायन का साइज कंपेरेबल नहीं है, देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन दैम. इन केस ऑफ एल्यूमिनियम आयोडाइड देयर आर कंपेरेबल डिस्टेंस बिटवीन दैम, दैट इज वाई दे कैन फॉर्म ईजिली कोवलेंट बॉन्ड. द बॉन्ड पोलैरिटी, define bond polarity. The intermediate bonding between purely ionic and purely covalent is called polar bond. The extent of ionic character is a covalent bond, which is called bond polarity. Bond polarity is a measure of how equally or unequally the electrons in any chemical bond are shared. Next is numerical. Numerical क्या है? कैलकुलेट करना है हमें आयन करेक्टर दैट इज इन परसेंटेज फॉर्म. किसके लिए? हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए. दोनों का डायपोल मोमेंट्स हमें कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन हमें परसेंटेज आयन करेक्टर कैसे फाइंड करना है उसके लिए एक फॉर्मूला है. परसेंटेज करना है तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 100, ही हमें पता है. तो हमें डायपोल मोमेंट का रेशियो निकालना है. वी हैव टू टेक द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट टू द कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट एंड इट कैन बी मल्टीप्लाइड बाई 100, देन वी कैन एबल टू फाइंड द परसेंटेज आयन करेक्टर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. तो हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट किया और यहाँ पे 10^2 कैंसिल आउट हो रही हैं और दोनों को डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई किया तो 17.5% हमारे पास आई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंगनीज ऑक्साइड इज हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू पर मैग्नेट. तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में अगर हम फजान रूल का फर्स्ट पॉइंट रिमाइंड करें तो वहाँ पे हमें इतना पता है कि जो मैंगनीज है इन ऑक्सीडेशन स्टेट टू इट कैन फॉर्म आयनिक क्रिस्टल, है ना. बट अगर हम उसका केस करें पर मैग्नेट में बात करें तो वहाँ पे मैंगनीज का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? +7. तो दैट विल बी इन कोवलेंट नेचर. तो इसी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है मैंगनीज ऑक्साइड जो कि आयनिक है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड्स. ड्रॉ लुइस नेचर स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड और कार्बोनेट आयन एंड अमोनियम आयन. तो यहाँ पे देखिए ये कैसे बनाया गया है, ये आपको इनके BCSCT 131 के जो लेक्चर वीडियोज है वहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा ये कैसे बनाया है. तो ये एक्चुअली हमें बनाना पड़ता है इनकी कन्फिगरेशन जो सेंट्रल एटम है उनकी और जो सराउंडेड लिगेंड्स हैं उनके कन्फिगरेशन को देखते हुए हमें ये स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं. तो इसी के साथ के ही हमने ये वीडियो ख़त्म कर दी क्योंकि इसमें जो पार्ट बी है वो ऑलमोस्ट आपका ब्लॉक कवर कर लेता है और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपके जो अगले ब्लॉक्स हैं वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे और जितने भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दिस वीडियोज आर इंक्लूडिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और उसको विद सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है ताकि आपको कहीं भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. देन यू कैन एबल टू फाइंड ईजिली द वीडियोज विद सॉल्व फॉर्म. तो आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी इजीली कर सकते हैं, प्रेपरेशन इजीली कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे और जल्दी अपलोड हो जाएगी. आपको जस्ट एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच सके. और कमेंट बॉक्स में आपको सिर्फ इतना लिखना है कि कोर्स आपको कौन सा कोर्स कोड चाहिए, सिर्फ इतना लिखना है. तो उसके साथ ही क्या हो जाएगा कि मुझे पता चलेगा कि आपको और कौन से कोर्स कोड के लिए पहले वीडियो चाहिए. और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे. थैंक यू.